नमस्ते। झारखंड में राजनीति सनसनी अचानक से हो गई जब लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा चुकी आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में आईएएस का पहली बार ही प्रयास में आईएएस बनने का गौरव हासिल किया था, पूजा सिंघल जो कि झारखंड की खनन सचिव है, उनके ठिकानों से करीब 20 करोड़ रुपये बरामद हुए, जिनमें रांची स्थित उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के यहाँ से लगभग 19.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। इसके साथ साथ रांची, मुजफ्फरपुर, कोलकाता और नोएडा और दिल्ली के ठिकानों पर से भारी भरकम राशि और प्रॉपर्टी के कागजात मिले। झारखंड में पूजा सिंघल जी का योगदान शुरू से बहुत ही अनोखा रहा है। मात्र 21 साल की उम्र में आईएएस बनने के बाद उन्होंने हजारीबाग से अपनी यात्रा शुरू की थी, जहाँ पर उन्होंने मनरेगा और बच्चों की शिक्षाओं पर काफ़ी काम किया था। साथ ही रिम्स में उन्होंने एक अनोखा काम किया था, विकलांग बच्चों के डाटा एकत्रीकरण पर लगातार उन पर घोटाले के आरोप लगते रहे। चाहे चतरा में मनरेगा का 6 करोड़ घोटाला हो या पलामू में डीसी रहते हुए 16 करोड़ का मनरेगा घोटाला, इन सब के बावजूद खनन सचिव बनने के बाद यह उनका सबसे बड़ा घोटाला है। और एक साथ ईडी की इस छापेमारी ने साबित किया है कि वो हेमंत सोरेन की काफ़ी जो करीबी मानी जाती थी, यह बात बिल्कुल सच निकली है। साथ ही साथ ऐसा ईडी के सूत्रों से मालूम चल रहा है कि लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बरामद हुई है। इसके बाद ईडी ने उनके ससुर को दरभंगा से गिरफ्तार किया है, उनके पति से लगातार पूछताछ की जा रही है और जितने भी उनके करीबी हैं उनसे इस मामले में पूछताछ करके इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ली जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इन्हें हेमंत सोरेन का सबसे करीबी माना जाता है और झारखंड में खनन सचिव का पद बहुत बड़ा और पैसे वाला पद माना जाता है, जिसे राजनीतिक लाभ के लिए लगातार इस्तेमाल किया जाता है।